बहुत बढ़िया। आज संडे का टाइम है और आप लोग सब बिजी रहते हो, बिजी का रहने हुए भी आप लोग कुछ समझ निकल के आए हुए है कि नहीं है? यस। तो मैं चाहता हूँ आप लोग के लिए एक बार जोर से तालियां हो जाए। तो सर, मेरा नाम संजय कुमार है और मैं ओडिशा से हूँ और ये अपॉर्चुनिटी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ ही समय हुआ है और अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी सभी का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, yes. तो आगे बढ़ाया जाए, yes. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा आप सभी को। नीचे लिखा हुआ है टीम टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। ये कुछ भी चीज हम अगर करते हैं सक्सेसफुली काम करना है तो टीम वर्क करना पड़ता है, यस और नो? यस। जैसे कि आप जानते होंगे हमको बंगला बनाना है, घर बनाना है और अकेला मेहनत करेंगे तो बंगला बन पाता है क्या? नो। बन तो पाता है लेकिन अच्छा नहीं बनेगा। अगर टीम वर्क मिलकर बनाएंगे, लेबर रहेगा, मिस्त्री रहेगा, इंजीनियर रहेगा तो अच्छा बनेगा और सुंदर बनेगा, यस और नो? यस। नेक्स्ट सर, ड्रीम्स ऑफ लाइफ। हर एक इंसान का कुछ ना कुछ ड्रीम्स होता है, यस और नो? यस। इसलिए तो हम इतना दूर से छोड़कर आज बेंगलोर शहर में आए हुए हैं, यस और नो? यस। तो उसमें से आप देख सकते हैं अच्छा बंगला, बैंक बैलेंस, अच्छी कार और विदेशों को यात्रा, टाइम फ्रीडम, ये सब हमारा ड्रीम्स रहता है। यस। अच्छे एजुकेशन पर बच्चों को देना, yes. नहीं है। लेकिन ये जो ड्रीम्स हम देख रहे हैं ये सब लाखों का ऊपर आता है और हम कमाते हैं कितना, हजार रुपए कमाते हैं, जबकि ये सब सपना हम पूरा नहीं कर पाते हैं, ये सर नो? यस। तो हम क्या करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि जितना कमाते हैं उतना में हम कुछ ड्रीम्स तो रखते हैं बड़ा लेकिन पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी में आगे जाके बताऊंगा कि ये सब पूरा ड्रीम्स को हम दिखाते हैं और सपना पूरा भी करते हैं। ठीक, सोचने का बारी है। What happening are of the 65 years? कि ज्यादा से ज्यादा लोग कितना एज तक जी पाते हैं। एक एवरेज किया गया, गूगल रिसर्च किया, देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग 65 तक बच पाते हैं, उससे ज्यादा भी बचते हैं लेकिन एक एवरेज किया गया है। और 65 होते होते लोगों का अंदर क्या होता है, 36% लोग डेड हो जाते हैं जबकि 65 तक भी पहुंच नहीं पाते हैं, है कि नहीं है? yes. जैसे कि कुछ एक्सीडेंट हो गया या बैड हैबिट के कारण से 36% लोग 65 तक पहुंच नहीं पाते और 54% लोग डिपेंड हो जाते हैं। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? अपने बच्चे का ऊपर या कुछ गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो पेंशन का ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और 5% लोग हैं स्टिल इन जॉब, कि 5% लोग हैं 65 साल होने के बाद भी कुछ ना कुछ अपना पेट चलाने के लिए कुछ ना कुछ जॉब करना पड़ता है, ये सो लोग? yes. आप लोग देखे होंगे कि रेलवे स्टेशन हो गया, रास्ता साइड में हो गया, बहुत सारा लोग ऐसा मिल जाते हैं, ज्यादा करके सिक्योरिटी जॉब से ये लोग मिलते हैं, देखने के लिए मिलते हैं, ये सो लोग? yes. और 4% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम, 1% लोग टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, कि केवल 5% लोग है जो की अच्छा जिंदगी जीते हैं और टाइम फ्रीडम भी रहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम भी रहते हैं, ये सर नो? यस। जैसे कि आप जानते होंगे धीरू भाई अंबानी हो गया, टाटा बिरला, ये तरीका का लोग आगे का कुछ सोच बनाया है और लोग सक्सेसफुली काम किया और सक्सेसफुल है इसलिए अच्छा जिंदगी जी पाते हैं और एक व्यक्ति चाहता है ये कैटेगरी बनाने के लिए, ये सर नो? यस। लिविंग कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट देखा जाए तो आज अगर बेंगलोर शहर में एक फैमिली रहना है तो कितना खर्चा लग सकता है? 25,000-30,000 लग सकता है। यस। और ये हमारे को आगे फ्यूचर में भी बढ़ेगा। yes. तो फ्यूचर देखने से पहले हम थोड़ा पास्ट का बातचीत कर लेंगे। 1940 में देखा जाए तो 10 रुपया में घर चलता था, yes. 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 और 10 रुपया में एक महीना का खर्चा करके भी कुछ बचत भी हो रहा था, yes. और 1960 में वही अमाउंट बढ़ करके कितना हो गया, 100 रुपए हो गया, और 1980 में वही अमाउंट बढ़ करके 1,000 रुपया हो गया, यानी कि हर 20 साल में एक एक जीरो बढ़ती आ रहा है, ये सर लोग? yes. तो आगे जो दो अभी तो चल रहा है 2019, एक साल के बाद 2020 भी आने वाला है, yes. नहीं है? yes. और 2020 में अगर देखा जाए तो वही अमाउंट बढ़ करके एक एक जीरो अगर बढ़ रहा है तो 2020 में भी एक जीरो बढ़ेगा, ये yes. सर लोग? yes. और जो 2020 में देखा जाए अमाउंट तो 1,000 1,00,000 होने वाला है, यस, ये सर लोग? yes. और आगे फ्यूचर को हम अगर देखेंगे 2040 में तो वो 1,000,000 होने वाला है। हमको ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा अभी जहाँ पे जॉब करें, क्या होने वाला है 1,00,000 रुपए 2020 के बाद? नो। लेकिन हम आगे जाके बताएंगे ऐसा प्लेटफॉर्म में आप आ चुके हैं उसमें से आके आप 2020 के बाद लाखों नहीं कोई लाख आप कमा सकते हैं। देखिए जहां पर हम जॉब करते हैं, आप सब बहुत सारे लोग जॉब किया कर रहे होंगे, यस यस। जहां पे हम जॉब करते हैं वहां पे हमारा मनी क्या होता है, लिमिटेड होता है, yes. शेयर की नहीं, और रेट क्या होता है, जो भी पोजीशन में हम रहते हैं वो पोजीशन का हिसाब से हमको सैलरी दिया जाता है कि नहीं है? yes. और टाइम टाइम भी हमारा फिक्स है कि 8 घंटा करना, 10 घंटा करना, 12 घंटा करना,
है कि नहीं? यस। और सभी 8-8 घंटा जॉब करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लोग हैं जो टाइम को मल्टीप्लाई करके 8 लाख घंटा भी काम करते हैं। कैसे करते हैं? सपोज मान लीजिए कि 1 लाख एम्प्लॉय कोई भी कंपनी पे काम करते हैं, कितना? 1 लाख एम्प्लॉय कोई भी कंपनी पे काम करते हैं, और कितना काम करते हैं? 8-8 घंटा काम करते हैं, और दिन 8-8 घंटा काम करते हैं, तो वही कंपनी पे जो एमडी का डायरेक्टर होता है उसके पास कितने घंटे काम हो रहा है? 8-8 घंटा। यस, ठीक ही नहीं है? यस। जिस अपॉर्चुनिटी को मैं बताने वाला हूँ अभी तक नहीं बताया हूँ, वो कंपनी का नाम है हमारा सेफ सब, और डायरेक्ट दिल से कंपनी को शुरुआत किया था। 5 डायरेक्टर ने मिस्टर रजत वर्मा, मिस्टर राजपाल अरोड़ा, मिस्टर राज आनंद एंड मिस्टर सिद्धार्थ सिद्धी एंड हरीशा सिद्धी, ये 5 डायरेक्टर ने कंपनी को पहले शुरुआत किया था। और कंपनी 2001 पे स्टेब्लिश हुआ था, कितना में? 2001 पे। और कंपनी को अभी 18 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 19 साल रनिंग चल रहा है। और कंपनी ISO सर्टिफाइड भी है, और कंपनी हर गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए काम कर रहा है, और देखते हुए गवर्नमेंट ने MCA सर्टिफाई भी क्वालिफाई किया है, मिनिस्ट्री कंज्यूमर अफेयर का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। ये लीगल डॉक्यूमेंट है, कंपनी टैक्स पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप टैक्स पे का सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं, पैन कार्ड है, MCA सर्टिफाई है, ISO सर्टिफाई है कंपनी का, ठीक है? यस सर। अभी आगे से जो जानकारी बताने वाला है मैं उनको कॉल करूंगा स्टेज पे, और मैं चाहूंगा कि आप लोग उनको जोरदार तालियों से स्वागत करें और आगे का जानकारी लें, ठीक है सर? यस। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे मिस्टर रविंदर जी को मंदिर से। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आप सारे लोग इतना एक्साइटमेंट के साथ इस प्लान प्रेजेंटेशन को देख रहे थे, पीछे बैठ के देख रहा था, इसका मतलब